हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज के टॉपिक में हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और उसके टाइप के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आर्टरीज के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये द ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स का टॉपिक है और ये सिस्टमेटिक पैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टेरियो मतलब होता है आर्टरी और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, यानी कि इसमें जो आर्टरीज होती है वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है। तो इसका हम बेसिक डेफिनेशन क्या कहेंगे? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज बाय एबनॉर्मल थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज विद द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें थिकनिंग रहेगा और हार्डनिंग हो जाएगी आर्टेरियल वॉल की। ये तो रहा इसका डेफिनेशन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये चार टाइप्स के होते हैं: सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, मॉन्किबर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ये हाइपरटेंसिव है, ये आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो इन तीनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस और मॉन्किबर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे। ये पहला तीन ही आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सीवियर है और इसका टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए और साथ में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं इन तीनों के बारे में। स्टार्ट करते हैं सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से। सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड। तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें मीडिया और इंटीमा लेयर का थिकनिंग हो जाता है। अराउंड द एज ऑफ 60 इयर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन के कारण जो हमारा आर्टरीज है वो थिक हो जाती है, स्पेशली मीडिया और इंटीमा लेयर आर्टरीज की। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बट बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। जिसे हमें पता है कि नॉर्मल जो इंटीमा लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट, वो एंडोथीलियम से कंपोज्ड होती है। एंडोथीलियम होती है लेयर और उसके बाद सब एंडोथीलियम टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि कॉलेजन और फाइबर्स कंटेंट करती है। और उसके बाद हमारी इंटरनल इलास्टिक लैमिना होती है। लेकिन बर्थ के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो एंडोथेलियल लेयर है और जो हमारी इंटरनल इलास्टिक लैमिना है एक दूसरे के डायरेक्टली ओवरलाई करती है, यानी कि सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारे चाइल्डहुड से ही जब हम ग्रो करने लगते हैं तो धीरे धीरे सब एंडोथेलियल टिश्यू ग्रोथ होने लगती है, इसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, इसकी अमाउंट और डेंसिटी बढ़ने लगती है। और अराउंड द एज ऑफ 60 इयर्स कभी कभी ये लेयर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये और मीडिया लेयर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। हमें पता है कि मीडिया लेयर बहुत सबसे मोटी लेयर होती है आर्टरी की, तो जो हमारी इंटीमा और मीडिया लेयर है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम फाइब्रोइलास्टोसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें सब एंडोथेलियम में इलास्टिन और कोलेजन टिश्यू बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए इसे फाइब्रोइलास्टोसिस कहते हैं। हमारी इंटरनल इलास्टिक लैमिना है दो वेवी लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ये दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंसिव आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस।
इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन के कारण हो रहा हो। और भी कॉजेज हो सकते हैं मगर मेन कॉजेज हाइपरटेंशन या फिर कॉमन कॉज हाइपरटेंशन ही होता है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन हाई बीपी को कहते हैं। हमें पता है हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। या आर्ट्रियोल्स जो कि आर्ट्रीज की सबसे स्मॉल ब्रांच होती है और स्मॉल मस्कुलर आर्ट्रीज को अफेक्ट करती है। इसके तीन टाइप है, हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस और नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। तो चलिए अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। ये तीनों किन कारण से होती है? हाइलिन हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एज के कारण हो सकती है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के कारण हो सकती है। हाइपरप्लास्टिक जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हाइपरप्लेसिया यानी कि नंबर इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है। तो हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किन कारण से हो सकता है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन यानी कि एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर जो कि रैपिडली डेवलप्ड होता है और एक्यूट होता है और ये ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इसका ब्लड प्रेशर इतना ही होता है कि 180/120 से भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें लो ब्लड सेल्स हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर होता है और लो प्लेटलेट्स होता है। इन सब के बारे में हम अलग से वीडियो में जानेंगे। टॉक्सीमिया है यानी कि टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन ब्लड, उसके कारण भी हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है। नेक्स्ट है नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। ये सीवियर हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है। आर्टेरियोलाइटिस मतलब लाइटिस है यानी कि कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, आगे देखेंगे। ये कौन कौन साइड पे अफेक्ट होती है? हाइलिन होती है वो विसरल आर्टेरियोल्स को अफेक्ट करती है जो हमारी विसरल ऑर्गन्स है यानी कि हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सब को अफेक्ट करती है। हाइपरप्लास्टिक मेनली इंटीमा लेयर को अफेक्ट करती है, स्पेशली इंटरलोबुलर आर्टरी ऑफ द किडनी, और नेक्रोटाइजिंग स्मॉल आर्टरीज और आर्टेरियोल्स को ही अफेक्ट करती है। अब हम इसके पैथोलॉजिक चेंजेस के बारे में जानते हैं। जो आर्टरीज की वॉल है वो मोटी हो जाती है और ल्यूमन नैरो और कभी कभी तिरछी भी हो जाती है। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो इन जो वॉल है वो स्ट्रक्चरलेस होती है। हाइपरप्लास्टिक के बारे में जानते हैं। इसमें तीन इंटीमल थिकनिंग होता है। पहला है ऑनियन स्किन लीजन। इंटीमल सेल्स जो ऑनियन के बल्ब की तरह कंसेंट्रिक लेयर्स की तरह लूजली प्लेस्ड हो जाती है, उसको ऑनियन स्किन लीजन होता है उसमें। दूसरा है म्यूसिलियस इनिशियल थिकनिंग यानी कि इसमें प्रोटोग्लाइकेंस डिपॉजिट हो जाता है। तीसरा है फाइब्रस इनिटीमल थिकनिंग जिसमें जो कि लेस कॉमन है और कोलेजन या फिर इलास्टिक फाइबर्स या फिर हाइलिन डिपॉजिट हो जाता है। अगला है नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस हाइलिन स्क्लेरोसिस और नेक्रोसिस दोनों शो करता है। इसमें आइटिस है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। एडवेंटिशियल लेयर में न्यूट्रोफिल्स का इनफिल्ट्रेशन होने के कारण एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कभी कभी अफेक्टेड वेसल्स में एडिमा और हेमोरेज भी हो सकता है। इसके पैथोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। तीन हाइपोथेसिस है हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए। पहला तो ये है कि अगर जो हमारी हाइलिन एंडोथेलियम वॉल है वो ब्रेक हो जाती है जिससे जो प्लाज्मा है वो अंदर की तरफ लीक हो जाती है, तो इसलिए जो इंटीमा और मीडियल लेयर में इसिनोफिलिक और हाइलिन मटेरियल पाया जाता है। दूसरा कारण हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से, जो अगर हमारी जो एंडोथेलियल लेयर ब्रेक होती है तो उसके कारण जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, प्लेटलेट्स उसकी तरफ जाना और उससे हार्डनिंग होना, तो उसके कारण हो सकता है। और तीसरा हाइपोथेसिस ये कहती है कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में ये आता है। हाइपरप्लास्टिक के बारे में जानते हैं।
हाइपरप्लास्टिक हाइपोक्सिया या फिर हाइपरटेंशन इम्यूनोलॉजिकल डैमेज के कारण एंडोथेलियम इंजरी हो जाता है, तो इसको हील करने के लिए स्मूथ मसल्स एंडोथेलियम की तरफ, तो जिससे फाइब्रोसिस हो जाता है। नेक्रोटाइजिंग, क्योंकि इसमें सडन और ग्रेट एलिवेशन होता है प्रेशर का, तो ऐसा माना जाता है कि जो वेसल्स वॉल है वो डायरेक्ट फिजिकल इंजरी के कारण ब्रेक हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं मॉन्की बग्स में। ये एज रिलेटेड है, बेनाइन कंडीशन है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। इसमें कैल्सिफिकेशन होता है, यानी ये कैल्शियम एक्युमुलेशन हो जाता है। जो अफेक्टेड एरिया है वो कौन है, मीडियल लेयर होती है ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज में होती है, यानी कि हाथ और पैर में होती है, और जेनिटल ट्रैक में भी हो सकती है। ये मोस्टली एज 50 ईयर्स के एज में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में देखें तो ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है हमेशा। अगर आप इसका एक्सरे लीजिएगा तो आपको ये इसके कैल्शियम सॉल्ट्स मिलेंगे आर्टरीज में, ल्यूमेन को नैरो नहीं करता है। माइक्रोस्कोपिकली जो मॉन्की बग्स आर्टरीस्क्लेरोसिस है उसमें आप कैल्शियम सॉल्ट्स देखेंगे मीडिया लेयर में विदाउट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। पैथोजेनेसिस, इसका इसे एज अ एज रिलेटेड पैथोलॉजिकल फिनोमेना ही माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताऊंगी।